गर्म हो चुका है, अब गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। अब बस कटहल जो है ये ठंडा हो चुका है, अब आप देख सकते हैं इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तेल भी गर्म हो चुका है और जो मैंने बैटर तैयार किया था, तो इसमें गैस ये कटहल को एक टुकड़ा इस तरीके से लेंगे और इसमें लपेट देंगे, डुबो देंगे इसको, नहला देंगे अच्छे से और इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरीके से गैस एक एक टुकड़ा इसमें डुबो के इस तरीके से निकाल लेंगे। और ये पकौड़ी गैस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गैस, इस तरीके से आप बनाइए पकौड़ी। बच्चों के लिए भी गैस बहुत पसंद आती हैं, बड़ों के लिए भी बहुत पसंद आती हैं, पसंद तो गैस सभी को आती हैं, उनको भी आती हैं। पकौड़ी डाल देंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज तो सबका एक ही सा होना है हाल उनका। एक एक टुकड़ा इस तरीके से निकालते जाएंगे और ये डालते देंगे। बस आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ तलने के लिए तैयार हो गई हैं और मैं एक एक करके डाल रही हूँ पकौड़ियों को। तो गैस को गैस लो फ्लेम पे कर दिया था, समथिंग ऑफ हो गई है और इसको ऑन कर देंगे। और ये रहा पकौड़ियों का शेप। कटहल की पकौड़ी, अगर गैस कच्चा कटहल अगर रखेंगे तो गैस जो कटहल के बाद में जो रेसे मुँह में आते हैं तो गैस बहुत ही बेकार लगते हैं। तो इस तरीके से आप गैस हल्का सा कटहल को बॉईल कर लेंगे, तो बॉईल करने से क्या रहता है कि वो पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बाहर से चावल का जो पेस्ट होता है उससे बहुत ही कुरकुरी हो जाती है। तो गैस अंदर खाने में भी आपको नहीं दिक्कत होगी ना बाहर खाने में दिक्कत होगी, जितनी जगह हो अवेलेबल उस तरीके से आप डालते रहें। समथिंग अभी तो जगह है, जगह तो गैस बनानी पड़ती है हर जगह। और किसी भी लाइन में हो जगह तो आपको बनानी पड़ेगी। तो समथिंग जगह भर गई है और नहीं डाल पाऊंगी। चावल और दाल की क्वांटिटी आपको बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अगर आपके चावल और दाल का पेस्ट अगर बच जाता है गैस तो इसका आप चिल्ला भी बना सकते हैं। तो गैस चिल्ला भी बहुत टेस्टी बनता है, तो आपको वेस्ट भी नहीं होगा और चिल्ला भी बन जाएगा और चिल्ला भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसको भी उपयोग में ला सकते हैं। पूरी जगह भर गई है, अब इसको क्या करेंगे, अब पलटने का इंतजाम करेंगे। तो पलटने के लिए गाइस क्या करेंगे, एक काटा ले लेंगे चाउमीन खाने वाला, तो इसको पलटेंगे। तो गैस को गैस से लो फ्लेम पे कर देंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे चल रहा है ये, और इसको पलट देंगे। सारी पकौड़ियों की दिशा चेंज कर देंगे, जैसे जैसे सीखी जाएगी और उसको पलटते जाएंगे। ये वाली तो कंपनी चिट चुकी है, इसको भी पलट देंगे। फर्शिकल से काम करेंगे तो इसको भी पलट देंगे। सारी पकौड़ियों को मैंने पलट दिया है गाइस, इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। अब देख सकते हैं कि पकौड़ियों का कलर भी एक सा आया है वाइट वॉश आप डालने से भी, क्योंकि मैंने हल्दी नहीं डाली है गाइस। हल्दी से टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, हल्दी से फिर वो सब्जी का स्वाद देने लगेगी। गाइस आप इसमें हल्दी का उपयोग बिल्कुल ना कीजिएगा,
तरीके से गाइस दो दो सीख रही है उसको निकालने का इंतजाम करेंगे तो बहुत ही आसानी से एक लेंगे बड़ी चलिए जिसमें थोड़ी कचौड़ी तलते हैं तो निकालते हैं गाइस इसमें मैं निकालती जाऊँगी जो सीखी जाएगी उसको निकालते जाएंगे गाइस ये सीख चुकी है तरीके से इसी तरीके से गाइस जितना पेस्ट बचा है आपका वो सेक लेंगे अगर आपका पेस्ट ऊपर से आता है तो उसका आप चिल्ला बना सकते हैं तो गाइस आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा और चीज भी इस्तेमाल हो जाएगी और बच्चे भी खा लेंगे बड़े भी खा लेंगे खुद भी खा लेंगे आप तो समथिंग ये सारी सीख चुकी हैं गाइस इनको बारी बारी करके सबको निकाल लेंगे कटहल की पकौड़ी गाइस बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में ये सिक्के तैयार हो चुके हैं गैस अब इसी तरीके से और भी सेक लेंगे जितनी पेस्ट बचा है अगर आपका बचा हो फिर मैं कह रही हूँ तो आप चिल्ला बना लीजिएगा आपका पेस्ट नहीं जाएगा अब इसको सर्व कर लेंगे तो गैस आप देख सकते हैं कि कटहल की पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी हैं और ये हरी चटनी अमिया वाली और टमाटो केचप से भी आप खा सकते हैं टमाटो केचप से ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप खा सकते हैं गाइस और ये रही पकौड़ी पकौड़ी कटहल की गाइस इस तरीके से तोड़ेंगे तो देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया लग रही है अंदर ये कटहल झाँक रहा है और ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में गाइस इसको चटनी में इस तरीके से डुबोएंगे तो गाइस इस तरीके से पकौड़ी खाइएगा और एक पकौड़ी गाइस आप लोगों के नाम तो गाइस इस तरीके से आप खा सकते हैं और बना सकते हैं कटहल की पकौड़ी तो गाइस आपको मेरी वीडियो एक ऐसी लगी कटहल की पकौड़ियों की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई नई रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा ताकि मैं आपके लिए एक से एक बढ़ के रेसिपी लेके आऊँ तो गाइस इंजॉय करिएगा खाइएगा और इसके चाय के साथ जरूर खाइएगा चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय राधे राधे।